इसके अलावा कल जो मैच में बैटिंग की है, कमाल की बैटिंग की है, 201 नॉट आउट ग्लेन मैक्सवेल ने, और हर तरफ मैक्सवेल की बॉलिंग का चर्चा है। मैंने शुरू में कहा कि उनको मैजिस्टिक मैक्सवेल का नाम दिया गया है। आमिर, बहुत सारी मीम्स भी लोगों ने बनाई हैं, हम तो कुछ मीम्स हमने सेलेक्ट किए हैं, आपके कमेंट्स लेते हैं, देखते हैं कि कौन कौन सी मीम्स हैं। समी, आपके भी कमेंट्स लेंगे, बड़ी दिलचस्प बनाई है। एक तो वीडियो भी आई है, देखें, फीलिंग सैड फॉर आवर नेबर्स, ये भी बड़ी ज़बरदस्त है, अफगानिस्तान और भारत वाले। और ये बाबूमा भाई, उठो प्लीज़, आपकी एक बार फिर से मदद चाहिए। क्यों मदद चाहिए कि अफगानिस्तान को हरा दो? समी, क्या कहेंगे? मेरा ख्याल में जाहिर सी बात है, वेरी डिसअपॉइंटिंग है अफगानिस्तान के लिए। कहीं ना कहीं वर्ल्ड कप का स्पॉट था सेमीफाइनल, अगर वो जीतते कल तो चांसेस थे कि सेमीफाइनल में आए, तो वेरी डिसअपॉइंटिंग। और फिर जिस तरीके से उन्होंने खेला है मैक्सवेल ने, आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान को बाहर करने से पहले मेरी लाश से गुजरना होगा। लोग भी क्या क्या बनाते हैं, जबरदस्त किस्म की बनाते हैं, और ये तो कमाल की बनाई है। आई जस्ट ट्राइड टू कॉपी माई आइडल इमामुल हक। आइडल है इनका क्या, इमामुल हक ग्लेन मैक्सवेल का, लेकिन कमाल की लोगों का दिमाग जो काम करता है। मैंने एक वीडियो देखी कि वो हाथ में चाय का कप है, कभी इधर मार रहा है, कभी उधर मार रहा है, बिल्कुल बच्चों की तरह। तो ये मैक्सवेल, वाकई में इसमें कोई शक नहीं कि मैक्सवेल जो है वो हीरो बन गए, रातों रात हीरो बन गए। उन्होंने 100 तो किए थे इस टूर्नामेंट में, लेकिन उनकी इस इनिंग्स की क्या बात है। और तमाम पूर्व मैच में देख रहा था कि ऑस्ट्रेलियन प्रेस में बड़ी बड़ी तस्वीर और बहुत ज़्यादा इनको अप्रिशिएट किया है, इंग्लैंड का प्रेस भी और दीगर ममालिक में भी, जहाँ जहाँ क्रिकेट खेली जाती है, पसंद की जाती है उनको। आमिर, इनिंग्स ऑफ हिज लाइफ टाइम ना? इट वॉज इसमें कुछ शक ही नहीं है जी, ये तो बेस्ट इनिंग्स होगी है ना ओडीआई क्रिकेट की, विदाउट एनी डाउट। और जिस सर्कमस्टांसिस में और जो उसकी कंडीशन थी, उसको सब चीज़ों को सामने रखें, तो आई थिंक द बेस्ट। और वो इनका नाम जो है ग्लेन मैक्सवेल से चेंज कर देना चाहिए, वो तो वो ग्लैडिएटर है, ग्लैडिएटर है ना, ग्लैडिएटर मैक्सिमम मैक्सिमस क्या था मैक्सिमस मेरिडियस मेरिडियस होना चाहिए। सभी नाम बदल दे इनका, ग्लेन मैक्सवेल का लोग तो कह रहे हैं मैजिस्टिक मैक्सवेल, लेकिन उसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। उसकी और रिजवान का अगर आप कंपैरिजन करें, रिजवान भी जब श्रीलंका के खिलाफ 100 कर रहे थे, उनको भी क्रैम पड़े थे और वो बीच में सही भी हो जाते थे, बाद में इंटरव्यू में उन्होंने कहा देयर वाज सम इंजरी एंड सम ड्रामा, एंड में उन्होंने ये कहा, लेकिन यहाँ मैक्सवेल ने कुछ नहीं कहा, इसने कहा कि इंजरी। और दो दफ़ा, कल भी हम डिस्कस करेंगे, एडम जंपा नीचे आ गए थे बैटिंग के लिए सीढ़ियाँ उतरकर, लेकिन मैक्सवेल ने उनको वापस भेजा, क्योंकि वो इस बात को समझते थे कि अगर अब मैं निकल गया और जंपा आ गया और विकेट गिर गई तो मुश्किल हो जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल। और मैं आपको बताऊँ, जिस सिनेरियो से आए थे, आपको पता है इस मैच से पहले गोल्फ खेलते हुए जख्मी हो गए थे, तो कहीं ना कहीं जहन में होता है कि आप मुल्क की तरह खेल लें और अब आपको ड्यू है कि एक आध मैच जिताना ही है आपने अपनी बैटिंग से। और आप ये देखें कि इंजर्ड भी थे लेकिन लड़ते रहे, बाहर नहीं गए, हालांकि चाहते तो थोड़ी देर के लिए बाहर जाते, ट्रीटमेंट लेके आ सकते थे, लेकिन विकेट पे रहे और पूरा मैच फिनिश किया।